अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बता दूंगा कि कांटा लगने से या लोहा लगने से जो स्किन के अंदर इन्फेक्शन होता है इसको रिमूव कैसे किया जाता है। इसके लिए आप मैं एक डिस्पोजेबल सरिंज ले लूँगा, इससे जो डेड स्किन है इसमें जो है ना पंक्चर करूँगा ताकि जो है ना यहाँ से पस रिमूव हो जाए। ये इस तरह आस्ते आस्ते ये सारा पस रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो है ना इसको हम साफ करेंगे। साफ करके जिस जगह पे पस बनता है वहाँ पे डेड स्किन होता है, तो इस स्किन को हटा देंगे क्योंकि नहीं हटाने से फिर इन्फेक्शन जमा हो जाएगा इधर। तो इसलिए ये जो डेड स्किन है इसको डिस्पोजेबल जो है इंस्ट्रूमेंट से हम इसको क्लीन करेंगे। ये एक हमने फोर्सेप और आर्टरी फोर्सेप ली हुई है, इससे हम इसकी स्किन को पकड़ के इसको रिमूव करेंगे क्योंकि ये डेड स्किन है। ठीक है, इसको रिमूव करेंगे तो नीचे हमें दिखाई देगा कि कहाँ पे इसको कांटा चुभ गया था और इन्फेक्शन है। इसको साफ करेंगे, ये इसको दर्द नहीं होगा। ठीक है, ये हटाने के बाद ये देखें यहाँ पे जो है ना, यहाँ वाइट जो नज़र आ रहा है वहाँ इनको कांटा लग गया था जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। तो इसको हम रिमूव करेंगे, यहाँ से जितना भी डेड स्किन है इसको रिमूव करेंगे। इंशाल्लाह ये दो दिन में ही सही हो जाएगा, एक ही ड्रेसिंग बहुत है इसके लिए। तो इसको ये डेड स्किन हटाएंगे, डेड स्किन हटाने के बाद इसको फिर पायोडीन से वॉश करेंगे। अभी हम ये जितना भी डेड स्किन है इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी इसको ऊपर हम पायोडीन अप्लाई करेंगे, एंटीसेप्टिक है। ठीक है, इसको पायोडीन से साफ करें। साफ करने के बाद जो है फिर इसको हम नॉर्मल स्लाइन जो ड्रिप होती है उससे प्रेशर दे के साफ करेंगे। इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा ताकि देखें कहीं से अंदर कोई स्किन के अलावा अंदर गोश्त के अंदर कोई इन्फेक्शन या पीप तो नहीं है। इसको भी देखेंगे जहाँ जिसका टांका लगा था उस कांटे की जगह को भी साफ करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम इसको पायोडीन अप्लाई करके फिर इसको नॉर्मल स्लाइन जो ड्रिप होती है उससे इसको प्रेशर देके इसको जो है ना साफ कर देंगे। इसको जितना प्रेशर दे दें बिल्कुल क्लीन कर दें जी। क्लीन करने के बाद हम इसको फिर इसकी ड्रेसिंग करेंगे। ये अभी क्लीन हो चुका है, इसको अभी हम डिस्पोजेबल गाज रखेंगे। डिस्पोजेबल गाज रख के हम इसको बस पैक कर देंगे। ठीक है, साथ में एक दिन तीन दिन के लिए एंटीबायोटिक भी खाएंगे, इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा। अब हम इसको पैक कर रहे हैं, इसी को इस तरह ड्रेसिंग करना पड़ेगा। इसकी ड्रेसिंग हो रही है। ठीक है, इसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह ये जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी तरह इसकी जो है ना ड्रेसिंग हो गई है। यह ड्रेसिंग कल शाम को फिर हम खोल के देखेंगे इसमें कितना रिकवरी हो गया है। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे बांध देंगे। बांधने के बाद जो है ना इसकी प्रोसीजर कंप्लीट हो गया और अब ये पेशेंट फारिग हो गया। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।